हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं कि जिसमें ना तो हमें एक्स बार की ज़रूरत होगी, ना ही हमें कोई मीडियन की ज़रूरत रहेगी, मोड की ज़रूरत, क्वार्टाइल की या डेसाइल की, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो अगर आप लोगों ने 11th स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा है, दैन ये चैप्टर बिल्कुल आपके लिए बना है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी स्टैटिस्टिक्स के बेस की ज़रूरत नहीं है। अब तक हमने जो भी 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, इस चैप्टर में इसका कोई भी मतलब रिलेवेंस नहीं है। सो ये एक फ्रेश चैप्टर है, जिनको भी शुरुआत करनी है वो लोग आज से पढ़ाई की शुरुआत इस चैप्टर से कर सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसे, क्या आपने कभी सोचा है कि फ्रेंड्स डिक्शनरी कैसे बनती है? क्या जितने भी स्पेलिंग्स मिलते रहेंगे इतने उसमें ऐड करते रहेंगे, ऐसा होता है? ऑब्वियसली नॉट। जैसे ही जो लोग डिक्शनरी यूज़ करते हैं इनको पता है कि जैसे ही हमें कोई एक स्पेलिंग को ढूंढना है तो हम सीधे ही वो स्पेलिंग तक पहुंच जाते हैं, राइट? ऐसा नहीं कि भाई 10 लाख स्पेलिंग है तो उसमें से हम एक स्पेलिंग को कैसे ढूंढ निकालेंगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए स्पेशल लॉजिक वर्क करता है। वन मोर थिंग, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में इतने सारे मोबाइल नंबर्स होने के बावजूद कभी कोई मोबाइल नंबर रिपीट क्यों नहीं होता है? सोचा है? नहीं सोचा। अच्छा, क्या आपने ये सोचा है कि 5 लोगों को अगर फोटो फ्रेम फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े रखने हैं तो हम लोग उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? पता है आप लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 120 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। यस, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, 5 लोगों को फोटोग्राफ्स में मतलब कैप्चर करना है हमको, तो उनको अलग अलग 120 पोजीशन पे हम लोग खड़े कर सकते हैं। समझ रहे हो, राइट? अच्छा, क्या कभी ये सोचा है कि अगर खुद के नाम के लेटर्स से बहुत सारे स्पेलिंग्स बनाए जाए तो उसमें डिक्शनरी रैंक कौन सा आएगा? नहीं सोचा। अच्छा, क्या कभी ये सोचा है कि हम लोग अगर कार में बैठ के जा रहे हैं तो अलग अलग कितने तरीके से बैठ सकते हैं? नहीं सोचा। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ओवरऑल ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके सम्स जो होते हैं वो इतने ही मतलब इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पे इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड करा है। आप लोगों को स्क्रीन पे चैप्टर का नाम दिख रहा होगा, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल एक्सपांशन। यस, तो इसी 3 हिस्सों में इस चैप्टर को बांटा हुआ है। फर्स्ट जो है वो है परम्यूटेशन, सेकेंड जो है वो है कॉम्बिनेशन एंड थर्ड जो है वो है बाइनोमियल एक्सपांशन। नाउ ये सब है क्या? अभी तो आपको ये पूरा संस्कृत लग रहा होगा कि क्योंकि आप लोगों ने कभी भी इन सब के बारे में मतलब पढ़ा नहीं है, परम्यूटेशन कभी सुना नहीं है, कॉम्बिनेशन तो चलो फिर भी कभी कभी सुन लेते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब जब कोई पैर की बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन आता है, एंड बाइनोमियल एक्सपांशन उसमें से अपने एक्सपांशन शायद से सुना होगा, बट बाइनोमियल शायद से ना सुना हो, या किसी किसी ने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा। सो बेसिकली यहाँ पे परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, एंड बाइनोमियल एक्सपांशन इज अ टोटली अ मैथमेटिकल पार्ट। तो बाइनोमियल एक्सपांशन वो एक अलग ही हिस्सा है, हालांकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक दूसरे के जैसा है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि चैप्टर के एंड में शायद से आपको कोई कन्फ्यूजन भी हो कि कब परम्यूटेशन यूज़ करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज़ करना है, यही पता नहीं लग रहा है। सो बेसिकली आप अगर स्टार्टिंग से अच्छे से ही ध्यान दे के पढ़ोगे तो आपको ऐसा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट इन केस आपने बीच में से एक भी लेक्चर मिस किया देन फिर ऑब्वियसली ये होना है, फिर आपको कन्फ्यूजन होगा। वन मोर थिंग इज दैर कि 12th में आपको 12 मार्क का एक चैप्टर आता है प्रॉबेबिलिटी करके,
वो प्रोबेबिलिटी में से अगर आपको 12 मार्क्स हासिल करने हैं देन ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो आप लोग कभी भी प्रोबेबिलिटी के सारे सम्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आपको पूछना है तो अभी जो लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं उनको आप पूछ सकते हो। वन मोर थिंग कि अभी मेरा 12th में प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर ही चल रहा है, तो आप लोग साथ में उसके वीडियोस भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी सम है वही के वही सम्स वहाँ पे भी है, राइट। फर्क इतना है, यहाँ पे आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन बता के छोड़ देना है, वहाँ पे वही कॉम्बिनेशन का यूज़ हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे आप हाफ चीज सीखोगे और हाफ आपको 12th में सीखनी है, क्लियर है। नाउ परम्यूटेशन का मतलब पहले हम समझते हैं कि परम्यूटेशन है क्या और परम्यूटेशन किस तरीके से वर्क करता है। सो परम्यूटेशन का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ है, एन नंबर की चीज़ है जिसको हमें अरेंज करना है, जिसको हमें अरेंज करना है तो उसके लिए हमें परम्यूटेशन यूज़ करना होता है। लाइक हमारे पास 3 डिजिट है, 1, 2 एंड 3। ये तीनों का यूज़ करके हम 3 डिजिट वाले कितने नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं बोलूँगी 3P3, इसका मतलब होता है 3 × 2 × 1, दैट मीन्स मैं 6 नंबर बना पाऊँगी। अब ये 6 नंबर कौन से होते हैं, तो ये होंगे 1, 2, 3, 1, 1, 3, 2, राइट। फिर 2, 1, 3, 2, 3, 1, फिर 3, 1, 2 एंड 3, 2, 1। ये 6 नंबर्स होंगे जिसमें एक भी नंबर रिपीटेड नहीं है, यू कैन सी, राइट। तो इस तरीके से ये परम्यूटेशन हुआ। मैं बोलूं कि इस शब्द का यूज़ करके आप इसके सभी लेटर्स का यूज़ करके टोटल कितने स्पेलिंग्स बना पाओगे, राइट। तो मैं बोलूँगी ये अभी आपको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, बट येस आई कैन मेक टोटल 12 वर्ड्स। समझ में आया। सो बेसिकली इस तरीके से हमें इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो है वो पढ़ने हैं, कि जिसके अंदर हमें अलग अलग इस टाइप की पजल्स मिल सकती हैं, कि जिसमें हमें अलग अलग इसे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी, कि जिसमें हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, ठीक है। परम्यूटेशन का मतलब ही होता है अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट्स, क्लियर, समझ में आया। नाउ परम्यूटेशन के लिए कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। पहला फॉर्मूला है NPR। जब भी परम्यूटेशन होता है तो NPR होता है, जब भी कॉम्बिनेशन होता है तो NCR होता है। बेसिकली इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि इसका मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। आपको तो फैक्टोरियल ही नहीं पता है भाई, किसी को भी नहीं पता होता है। जब मैं 11th में थी तो मुझे भी नहीं पता था, सो डोंट वरी, अभी बताती हूँ। तो ये r फैक्टोरियल का यहाँ पे फ़र्क होता है, राइट। अब बेसिकली ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल समझ में नहीं आएगा अभी आपको। मैं आपको इतना बताऊं कि फैक्टोरियल का मतलब, सपोज़ ऐसा है 3 फैक्टोरियल, तो 3 से चालू करके 1 तक। मैं ऐसा बोलूँ 5 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 5 से चालू करके 1 तक, समझे। एक 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 उसमें कम होते जाएंगे, पता चला, वेरी गुड। सी, हमने ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको वो लिख दूँ। उसका मतलब ये होगा
एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू, ये चलता रहेगा कब तक? तो एन माइनस आर प्लस वन तक चलेगा। ये भी आपको संस्कृत लगेगा, अभी समझ में नहीं आएगा, यू जस्ट डोंट वरी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली मैं आपको फॉर्मूला से नहीं, एग्जांपल से ले चलती हूँ। सपोज ऐसा है 3p2, तो इसका मतलब ये हुआ आप 3 से लेके दो कदम चलोगे, 3 से लेके दो कदम चलोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो 3 है ना वो n है और ये 2 है वो r है। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या हुआ 3 एंड r इज इक्वल्स टू क्या हुआ 2, राइट। फॉर्मूला के बेसिस पे जाते हैं, सो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल एंड n माइनस r फैक्टोरियल, तो 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, राइट। सो 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 3 माइनस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 1 1 कट हुआ, बचा क्या? देखा आपने भाई, थोड़ा सा आपको अभी टफ लग सकता है, बट आप लोग बने रहे मेरे साथ, मैं बहुत सारे इस एग्जांपल आपको कराऊंगी, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसा करते रहेंगे। देखिए आगे मैं आपको बोलूं 5p3, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू क्या है 5 है, r इज इक्वल्स टू क्या है 3 है। अच्छा मैं इसको पहले से ही बता दूं, हमको 3 कदम चलना है 5 से स्टार्ट करके, 5 × 4 × 3, ठीक है। ये कितने कदम चलना है वो इंडिकेट करता है, 3 कदम चलने हैं 5 से स्टार्ट करना है। अच्छा फॉर्मूला के बेसिस पे जाते हैं, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल माने तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, नीचे है 5 − 3 मतलब 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1, ये 2 × 1 2 × 1 कैंसिल, क्या बचा? यही बच गया, समझ रहे हो, पता चल रहा है, गुड। अब मैं आगे और एक एग्जांपल ले रही हूँ, 7p5, 7p5 मतलब 5 कदम चलेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 6 5 4 3, फॉर्मूला की बात करते हैं, सो n इज इक्वल्स टू 7 एंड r इज इक्वल्स टू 5, राइट। सो बेसिकली 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल मतलब 7 6 5 4 3 2 1, 7 माइनस 5 मतलब 2 फैक्टोरियल 2 × 1 कट हुए, क्या बचा? यही। तो आप लोग सभी अलग अलग अब एग्जांपल में देख सकते हो, मैंने 3p2 स्टार्ट करा तो 3 × 2 बोल दिया था, देन आफ्टर 5p3 करा 5 × 4 = 3 हुआ, एंड 7p5 मतलब 7 से स्टार्ट करो 5 कदम चलते रहो, क्लियर? इजी है, डेफिनेटली इजी है। सो इतना अभी काफ़ी है आप लोगों के लिए, हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा भी आएगा आप लोगों को, क्योंकि ज़्यादा अगर थियरी दे के मैं पढ़ाऊँगी तो आप लोग भी बोरिंग होंगे, मुझे भी मज़ा नहीं आएगा। एक्सरसाइज 6.1, अब आप लोग बोलोगे कि ये सब लिखना है, यस ऑब्वियसली ये सब लिखना है, ठीक है, ये सब लिख लेना, ये NCR नहीं लिखना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, जब स्टार्ट करेंगे कॉम्बिनेशन वाला हिस्सा तब मैं आपको वो बता दूंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं 6.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला हुआ है ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें फर्स्ट बोला है 10p3, राइट। तो अगर हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जाना है
तो एन पी आर का मतलब होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो यहाँ पे एन इज इक्वल्स टू 10 है, सो बेसिकली 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, राइट. तो 10 इंटू 9 इंटू 8 7 नहीं आएगा ना इधर, टेन नाइन. मैं एक में ही ये सब कुछ करूँगी, बाद में नहीं करूँगी सब में. एंड 10 माइनस 3 मतलब 7. तो ये कट हो गए, ये 7 तक कट हो गए, बचा क्या 10 इंटू 9 इंटू 8, 9 8 जा 72 इंटू 10 720, दैट्स इट. क्लियर है? यू देखे तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, क्योंकि वो भी वही है, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 कितने हैं 3 है ना, तो 3 ही चलने हैं, राइट. सो बेसिकली एन इज इक्वल्स टू 10 एन माइनस 1 9 एन माइनस 2 8. ये सेकेंड मेथड है, आपको जो सही लगे, बट मेरे को तो सेकेंड मेथड ही ज़्यादा सही लगती है, सो मैं वही करूँगी. आपको फर्स्ट वाली अच्छी लगती है वो करो, आपको सेकेंड वाली अच्छी लगती है वो करो, नो प्रॉब्लम. क्लियर है? नंबर 2, 50P2. नंबर 2, 50P2. बताओ क्या करेंगे? वेरी सिंपल, एन पी आर इज इक्वल्स टू एन एन माइनस 1, दो ही कदम तो चलने हैं. सो 50 इंटू 49 एंड हियर इट्स कम योर आंसर. क्या आंसर आता है आप लोगों को आंसर लाके कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है. अभी मेरे पास कैलसी नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली आपको इसका आंसर कमेंट में लिखना है. नेक्स्ट हमें दिया गया है 8P7. क्या करना है अब तो सबको पता है, 8P7 मतलब हमें 8 से चालू करके 7 कदम तक चलना है. यहाँ तक हो गया. सो 8 7 6 5 4 3 2. एंड आपको इसका भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है. बता दोगे ना? वेरी गुड, अच्छी बात है. क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे क्या दिया है वो देख लेते हैं. फोर्थ नंबर पे दिया है 9P9. सो 9P9 बहुत इजी. फर्स्ट मेथड कराती हूँ ताकि दोनों मेथड का आपको अभ्यास ठीक से हो जाए. दोनों ही मेथड सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
आंसर आपको कमेंट में लिखना है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स जो मैंने अभी आपको होमवर्क में दिए हैं, मतलब कि सिर्फ आंसर ढूंढ के लिखने हैं, बहुत ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं दिया है, डोंट वरी। तो इसका आपको सॉल्यूशन करके उसका कमेंट सेक्शन में आप लिखना मत भूलना, ताकि पता चले कि किसका सही है, किसका गलत है, किसी ने कैलसी चलाने में गलती तो नहीं करी है। क्योंकि यहाँ पे आपको कैलसी चलाते वक्त खास ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कुछ गलती ना कर दो, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।